हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अंकुर। हमारे डिप्टी सीएम यानी मनीष सिसोदिया जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि सारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं को कैंसिल कर दिया जाए और फाइनल ईयर के बच्चे भी इसमें इंक्लूड रहेंगे। उसके साथ ही जो आपका प्रीवियस सेमेस्टर के आधार पर या फिर आपके पास्ट परफॉर्मेंस इंटरनल मार्क्स के बेसिस पर आपको प्रमोट किया जाए। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी ने ये कहा है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज दोपहर जो 1:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, 1:08 पर ANI ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसको साझा किया। उसके बाद ये न्यूज़ सारे में वायरल हो गई। ANI ने अपने ट्वीट में बताया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कैंसल दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर स्टेट्स में इंक्लूडिंग फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कोरोना महामारी के देखते हुए रद्द किए जाते हैं। साथ ही डिग्री विल बी अवॉर्डेड बेसिस ऑन ईवेल्यूएशन पैरामीटर्स डिसाइड बाय द यूनिवर्सिटी। आपको बेसिस ईवेल्यूएशन के ऊपर आपको डिग्री अवॉर्डेड की जाएगी। ये एक लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है दिल्ली सरकार की तरफ से और सभी बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है, कह सकते हैं बहुत ही अच्छी खबर है। और सभी बच्चे प्रमोट किए जाएंगे फाइनल ईयर में, इसमें इंक्लूड है। फर्स्ट और सेकंड ईयर के बच्चों को पहले ही नोटिस जारी कर चुका था दिल्ली यूनिवर्सिटी। 1-2 दिन में फाइनल नोटिस दिल्ली यूनिवर्सिटी जारी कर देगा कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भी प्रमोट किया जा रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।